तो गाइस आज हम बताने वाले कुछ इस टाइप का न्यू और फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सट एप्लीकेशन सिखाने वाले आप सबको। सो अगर इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लूँगा, तो अंत तक देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात गाइस, आप लोग तो वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 100K कंप्लीट करा दो। तो कुछ इस तरह का न्यू और फोटो एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपली पिक्सआर्ट जो एप्लीकेशन है इसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, देन इसे हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ओपन कर देने के बाद गाइस अभी हमें नीचे जो प्लस आइकन है वहाँ पर टैप कर देना है, और एडिट फोटो पर हमें टैप कर देने के बाद जिस पिक्चर को हमें एडिट करना है उस पिक्चर को हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोटो को ऐड कर लूँ, तो अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें हमारा जो बैकग्राउंड है इसको हमें ब्लैक एंड व्हाइट कर लेना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर इफेक्ट पर आप लोगों को टैप कर देना है, देन यहाँ पर बहुत सारे टूल्स भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो सिंपली आप लोगों को ब्लैक BNW पर टैप कर देना है, ओके। तो BNW पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो सिंपली BNW जो फेल वाला इफेक्ट है उसको हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारे जो फुल पिक्चर के अंदर ये वाला जो इफेक्ट था वो आ गया है। तो अभी हमें हमारा जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ऊपर जो इरेज़र वाले आइकन है वहाँ पर टैप कर देना है, देन यहाँ पर हमें बैकग्राउंड पर हमें टैप कर देना है, ठीक है। तो इससे हमारा देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट टोन आ गए हैं। तो अभी हमें ऊपर जो राइट वाला आइकन है टैप कर देना है, देन यहाँ पर डन पर हमें टैप कर देना है, ओके। देन गाइस अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें यहाँ पर इफेक्ट्स पर हमें टैप कर देना है। तो इफेक्ट्स पर टैप कर देने के बाद गाइस अभी हमें फुल लास्ट में जाना है, देन गाइस लास्ट पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो विग्नेट वाले जो इफेक्ट है उसको हमें टैप कर देना है, और मिडिल पर जो ये वाला जो इफेक्ट है उसको हमें चूज़ कर लेना है, ओके। तो पर मैं साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और पर फेड को थोड़ा सा कम, देन पर साइज को थोड़ा सा इंक्रीज। तो इतना कम कर देने के बाद गाइस अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर जो राइट वाला आइकन वो पर हमें टैप कर देना है। तो यहाँ पर टैप कर देने के बाद अभी हमें बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर लेना है, मतलब यहाँ पर येलो कोई येलो या ग्रीन कलर या सियन कलर आप लोग चाहते हो। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा गाइस, तो इसलिए आप लोगों को टूल्स पर जाना है। तो टूल्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कार्ड पहले टूल्स पर आप लोगों को टैप कर देना है, देन अभी हम लोगों को कलर पर जाना है, देन पर जो रेड वाला जो कलर है इसको हमें चूज़ कर लेना है। तो रेड कलर को हमें लाइन को हमें नीचे की तरफ से ले आना है इतना, देन अभी हमें कलर पर फिर से जाना है, और यहाँ पर अभी हमें ब्लू कलर पर चूज़ कर लेना है, और इसे हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड पर सेट कर देना है। तो अभी हमारे देख सकते हो कि इस फेस के ऊपर भी ये कलर आ गया है। तो हमें अभी हमें सेम प्रोसेस पे हमें काम कर लेना है, ठीक है। मतलब पहले हमें इरेजर वाले आइकन, देन यहाँ पर बैकग्राउंड पर लोगों को टैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ हमारा बैकग्राउंड पर आ गया है ये वाला जो इफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें राइट वाला आइकन देन यहाँ पर डन कर लेना है, और गाइस अभी हमें ऐड फोटो पर जाना है, और ऐड फोटो पर जाने के बाद कुछ PNG को हमें ऐड कर लेना है। तो ये वाला जो PNG और ये वाला जो PNG इसे हमें ऐड कर लेना है। तो ये वाला जो सेकंड जो PNG है इसे मैं साइड पर रख देता हूँ, और ये वाला जो फर्स्ट PNG है इसका जो ब्लेंडिंग मोड है चेंज करके हमें स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन नहीं यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, ओके, लाइटन। देन यहाँ पर इरेजर वाले आइकन इरेजर ब्रश को चूज़ कर देने के बाद जूम कर लेना है, देन गाइस कुछ इस तरह से इरेज कर देना है फेस के ऊपर से, और यहाँ पर लाइन को भी थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर लेना। देन सेकेंड वाला जो PNG है इसे हमें कुछ तरह से ऐड कर लेना है, और गाइस अभी हमें इसका जो ब्लेंडिंग मोड है चेंज करके हमें स्किन कर देना है, स्किन या लाइटिंग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लाइटिंग रख देता हूँ, ठीक है, तो और भी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस पिक्चर को अभी हमें डन पर टैप कर देना है, और डन कर देने के बाद गाइस अभी हमें पिक्चर को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ पिक्चर को। सो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना, वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना।